हम अभी आ गए हैं अहमदाबाद में आरटीओ चांदखेड़ा के न्यू वाड़ा के पास सेंट्रल जेल भजिए। सेंट्रल जेल में नहीं आए, सेंट्रल जेल के भजिए हाउस में। यहाँ का भजिया अहमदाबाद में काफी फेमस है गाइस। यहाँ पर भजिए जो है वो केती ही बनाते हैं और सिंग तेल के अंदर यहाँ पर बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स कुछ भी नहीं होता है, जो होता है बिल्कुल नेचुरल होता है और शुद्ध सिंग तेल वपराता है यहाँ पर। और केती जो बनाते हैं ऐसा नहीं है फ्री में काम करते हैं, यहाँ पे सरकार की तरफ से उनको हर दिन का 100 रुपया भी दिया जाता है, खाने पीने की पूरी सुविधा है। और यहाँ पर किसी तरीके का रोक टोक नहीं है, अच्छे से वो लोग घूम फिर के अपना काम कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट अंदर रहने और बाहर रहने में आप जो अंतर है वो आप समझ चुके हैं। लेकिन चलिए अब यहाँ पर इतना फेमस है ये भजिया हाउस, तो चलिए हम चल के देखेंगे कि भजिया हाउस में क्या क्या है। चलिए, यहाँ के भजिए जो है वो बिल्कुल तिरुपति रिफाइंड ऑयल में बनाए जाते हैं, और ये मेथी के भजिए हैं, मेथी के बड़े जिसे कहते हैं वो हैं, और साथ में इसको आलू पूरी, सूरत में इसको आलू पूरी बोलते हैं और यहाँ पे इसको आलू का चिप्स भजिए बोलते हैं। पूरा मतलब ऑयल जो है इसका बिल्कुल अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है। और उसके बाद ये कढ़ी दी जाती है, कढ़ी भी ऑलमोस्ट बेसन से बनाई गई है और उसको जीरे का राई का भगा दिया गया है। खाने में बढ़िया है, टेस्टी है, और साथ में मिर्ची दी जाती है, उसके साथ ये सर्व किया जाता है। आपको यहाँ पर नाश्ते के बाद चाय मिल जाएगी, चाय के स्टॉल वहाँ पर है, और उसके लिए आपको कूपन लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन भजिए के लिए आपको ऑलमोस्ट वहाँ पर कूपन लेना पड़ता है और उसके बाद लाइन लगानी पड़ती है। लाइन भी दो तरीके की है, पहले जेंट्स को एक बार और एक लेडीज़ की लाइन है, एक बार लड़कों को दिया जाता है, एक बार लड़कियों को दिया जाता है, दोनों इक्वल करके दिया जाता है। यहाँ पर किसी भी तरीके की एक साइड लाइन में किसी को भी रुकना नहीं है, फैसिलिटी पूरी अवेलेबल है यहाँ पर, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया। और यहाँ पर बैठने और सब चीज़ की फैसिलिटी बहुत सारी है, वो अच्छे खासे गर्म है और अच्छे पूरा बच्चा के मतलब देखने में ठीक है और नॉर्मल है। और ये सेंट्रल जेल के कैदी ही बनाते हैं, यहीं पर बनाते हैं, ये कहीं ऐसा नहीं है बाहर से किसी लोग को बनाते हैं, सेंट्रल जेल नाम है तो ये कैदी ही बनाते हैं। और आप देख सकते हैं कॉस्टली ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है। हम पहले खा कर ट्राई करते हैं कि ये खाने में भी कैसा है, सरकारी चीज़ है, ट्राई तो करनी चाहिए। टेस्ट के मुताबिक अच्छा है, बेहतर है, थोड़ा स्पाइसी भी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा कि सेंट्रल जेल भजिए, जो ऐसे नॉर्मली हर अलग अलग तरीके के ब्रांच चलती है, लेकिन ये नाम ही आपने देखा कि सेंट्रल जेल के भजिए, तो इतना तो सबको समझ में आता है कि आम इंसान तो नहीं है, नॉर्मली कहती हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग पैनल पे हैं, क्या है क्या नहीं है। आप इससे आप इस वीडियो से इतना तो कम से कम देख सकते हैं कि ये वीडियो यहाँ पर ये भजिए मिल रहे हैं तो वो कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, ज़रूर कोई ना कोई शॉप का ऑनर होगा जिसके किसी पैसे उधार लेकर भाग गया होगा और उसने गुस्से में ये काम किया है। तो हालांकि लोगों को सड़कों पर लोग गुंडागर्दी करते हैं, बाहर घूमते हैं, अपने आप को भाई का लकब देते हैं, बेटर वो नहीं है। लाइफ इज चेंज, पूरा इंसान जो है वो आप देख सकते हैं कि एक इंसान किसी को परेशानी या नुकसान पहुंचाता है तो उसकी ज़िंदगी पूरी तबाह हो जाती है। बस कुछ मिनटों के गुस्से के बाद लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। आप जेल में आ गए और जो था वो ऊपर चला गया, और उसके बाद लाइफ जो स्टार्ट होती है, आप बंद हो गए और बाकी आपका परिवार जो है वो इससे ज़्यादा परेशान हो जाता है, आपकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। तो जिगर या बड़ा कलेजा ये नहीं है कि किसी को मार देना या किसी को तकलीफ पहुँचाना, जिगर वो है जो देश के सिपाही सेना जो सरहद पे बैठकर देश की सेवा कर रहे हैं, हाथों में जिगर लेकर वो घूमते हैं, जिनको अगली मिनटों का पता नहीं होता है कि वो इस दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो असल में मर्द और जिगर वाले वो होते हैं, और एक आम इंसान जो इतनी महंगाई के बीच में वो अपने परिवार को इस महंगाई से बाहर निकालने के लिए इतनी मेहनत करता है धूप में। आप देखिए कि पैडल रिक्शा लोग टपरियों पर लारियों पर लगाते हैं, क्या वो लोग कहीं से भी, लेकिन वो मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपने परिवार को चलाते हैं, दूसरों को भीख मांगने या हाथ पिलाने से बेहतर करते हैं। तो मेरी नज़र में उनको सैल्यूट है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना, और आपको कमेंट में जो आपको बेस्ट लगता है वो आप रिव्यू देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।